विपक्ष का काम विरोध करना है, हर अच्छे कार्यों का उनका विरोध एकमात्र अभियान है। देश के हित में, समाज के हित में और संविधान के अनुसार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता, ये पूर्णतः संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है। जेडीयू ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे, कह रहे हैं जाति पर हमला किया जा रहा, धर्म पर हमला है, उनके राइट्स पर हमला है। ये कांग्रेस के लोग इस देश को तोड़ने की भूमिका निभाए। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो दशा मां भारती के संतानों का, हिंदुओं का है, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के लोग जिम्मेवार हैं। और फिर वही राह पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के लोग बढ़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से आपने मुलाकात की है टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर को लेकर? निश्चित तौर पर बिहार के संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए, राजस्व और रोजगार बढ़ाने के लिए उनका आश्वासन मिला है। केंद्र और राज्य मिलकर बिहार की जो पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान थी उसको बढ़ाने के लिए संकल्पित है और इसको हम बढ़ाएंगे। विपक्ष का काम विरोध करना है, हर अच्छे कार्यों का उनका विरोध एकमात्र अभियान है। देश के हित में, समाज के हित में और संविधान के अनुसार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता, ये पूर्णतः संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है। जेडीयू ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे, कह रहे हैं जाति पर हमला किया जा रहा, धर्म पर हमला है, उनके राइट्स पर हमला है। ये कांग्रेस के लोग इस देश को तोड़ने की भूमिका निभाए। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो दशा मां भारती के संतानों का, हिंदुओं का है, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के लोग जिम्मेवार हैं। और फिर वही राह पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के लोग बढ़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से आपने मुलाकात की है टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर को लेकर? निश्चित तौर पर बिहार के संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए, राजस्व और रोजगार बढ़ाने के लिए उनका आश्वासन मिला है। केंद्र और राज्य मिलकर बिहार की जो पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान थी उसको बढ़ाने के लिए संकल्पित है और इसको हम बढ़ाएंगे।